So we'll continue with our parameters of opam. So opam parameter में अभी हम देखेंगे हमारा next parameter, that is power supply rejection ratio. It is abbreviated as PSRR, power supply rejection ratio. Look at the change in opam input offset voltage due to the variation in the supply voltage is called as power supply rejection ratio. अब देखो power supply rejection ratio क्या रहता है कि ओपैम के सप्लाई वोल्टेज में अगर हमने चेंज किया तो उससे क्या होता है, उसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होता है और उसी को बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो या पावर वोल्टेज सप्लाई रिजेक्शन रेशियो. द चेंज इन द ओपैम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू वेरिएशन इन द सप्लाई वोल्टेज इज कॉल्ड एज पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो. होता क्या है जनरली, अगर हमने पावर सप्लाई चेंज किया, मतलब प्लस वीसीसी और माइनस वीई, ये अगर हमने चेंज किया तो उससे क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होता है और उसको उसी को जो बोलते हैं कि कितना कितना इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होता है, कितना सप्लाई वोल्टेज चेंज करने से, उस रेशियो को बोलते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो. ओके, तो उसको पावर सप्लाई सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. उसको तीन नाम है, सप्लाई वोल्टेज रिजेक्शन रेशियो, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो या पावर सप्लाई सेंसिटिविटी. तो कैसे डिपेंड करते हैं उसको, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो इक्वल टू डेल्टा वी आई ओ एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी. डेल्टा वी आई ओ एस मतलब क्या, डेल्टा का मतलब होता है चेंज. तो चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, वी आई ओ एस, चेंज इन द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, और डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज. तो आइडियली अगर हमने देखा तो पावर सप्लाई चेंज करने की वजह से सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए. पावर सप्लाई वोल्टेज चेंज करने की वजह से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब विथ चेंज इन डेल्टा, चेंज इन सप्लाई वोल्टेज देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन वी आई ओ एस, मतलब वी आई ओ एस शुड बी जीरो एंड डेल्टा वी की कितनी भी वैल्यू रहो, कितना भी चेंज करो उसको, पर वी आई ओ एस क्या रहना चाहिए, ये जीरो ही रहना चाहिए आइडियली, और प्रैक्टिकली बहुत ही कम रहना चाहिए. तो उसकी वैल्यू आइडियली जीरो रहना चाहिए पी एस आर. इट इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन माइक्रो होल्ड पर होल्ड और इन डेसिबल, माइक्रो होल्ड पर होल्ड और इन डेसिबल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. द वैल्यू ऑफ पी एस आर शुड बी आइडियली जीरो एंड प्रैक्टिकली इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. देखो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत कम रहनी चाहिए और आइडियली जीरो ही रहना चाहिए, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज कितना भी चेंज करो आप, उससे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए. वो होता है पर वो नहीं होना चाहिए, मतलब आप वी को कितना भी चेंज करो, इसकी वैल्यू कितनी भी ज्यादा रहने दो, इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, ये दिस चेंज शुड बी जीरो. तो जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, सो आइडियली दिस वैल्यू शुड बी जीरो, पर प्रैक्टिकली ये जीरो नहीं रहता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, बहुत कम रहती है. सो वेरी लो वैल्यू डिवाइडेड बाई वेरी लार्ज वैल्यू इज इक्वल टू वेरी लो वैल्यू. ओके, तो ये रेशियो क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, तो प्रैक्टिकली बहुत ही कम रहता है. सो एस वी आर आर इज स्पेसिफाइड अज्यूमिंग दैट बोथ सप्लाई पॉजिटिव एंड निगेटिव मैग्नेट्यूड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, उसकी वजह से वो होता है. नेक्स्ट है स्लू रेट. स्लू रेट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. देखो स्लू रेट एक स्पीड से रिलेटेड है. स्लू रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम. मतलब अगर सपोज हमने इनपुट वोल्टेज दिया ओपैम को, तो कितने फास्ट, हाउ फास्ट इट एम्पलीफाई और इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ओपैम. देखो स्लू रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज. मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज चेंज होने का जो मैक्सिमम रेट है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं स्लू रेट पर यूनिट टाइम. तो देखो स्लू रेट इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. डी मतलब चेंज, डी मतलब चेंज. सो डी वी ओ मतलब क्या, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, और डी टी मतलब क्या, चेंज इन टाइम, और ये क्या है, मैक्सिमम. यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज ऑलवेज मेजर्ड एज ए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, और उसका यूनिट क्या आएगा, वोल्ट डिवाइडेड बाय माइक्रो सेकंड. ओके,
ये चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ये वोल्ट में रहता है, और चेंज इन टाइम जो रहता है वो माइक्रो सेकंड में रहता है, इसलिए उसका यूनिट होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। सो व्हाट इज द स्ल्यू रेट? स्ल्यू रेट इज नथिंग बट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम, मतलब कितने पर यूनिट टाइम में उसका वोल्टेज कितने ज्यादा से ज्यादा कितना चेंज हो सकता है, कितना चेंज हो सकता है, मतलब कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है, उसको बोलते हैं स्ल्यू रेट। तो द यूनिट ऑफ स्ल्यू रेट इज वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट देखो ये स्ल्यू रेट का इंपॉर्टेंस क्या है। स्ल्यू रेट डिसाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ ओपम टू चेंज इट्स आउटपुट रैपिडली, कितने रैपिडली आउटपुट चेंज करता है, मतलब कितना। देखो हम बोलते हैं ना ये हमारा डिवाइस बहुत फास्ट है, किसी का डिवाइस फास्ट रहता है, किसी का डिवाइस स्लो रहता है। फास्ट और स्लो मतलब क्या, अगर हमने इनपुट दिया तो बहुत थोड़ी देर के बाद आउटपुट आता है तो वो हम क्या बोलते हैं, वो स्लो है। और अगर हमने इनपुट दिया कि उसी समय अगर आउटपुट आता है तो हम बोलते हैं डिवाइस फास्ट है। सपोज हमने मोबाइल पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो सर्च किया कि ब्राउजर ओपन हो जाता है, सर्च किया कि ऐप ओपन होता है, क्लोज किया कि क्लोज हो जाता है, सडनली होता है, मतलब इनपुट दिया तो सडनली आउटपुट मिलता है, तो हम बोलते हैं ये डिवाइस बहुत फास्ट है, ये मोबाइल बहुत फास्ट है। और अगर हमने क्लिक किया ऐप पे तो घूमता है वो चक्र घूमता है और उसके बाद वो ओपन होता है, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि डिवाइस स्लो है। तो स्ल्यू रेट उसी से डिपेंड है कि कितने पर यूनिट टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज अचीव करता है मैक्सिमम। सपोज हमने उसको इनपुट दिया तो यूनिट टाइम में वो कितना बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ स्ल्यू रेट डिपेंड्स ऑन चेंज इन वोल्टेज गेन, देयरफॉर इट इज जनरली स्पेसिफाइड बाय एट यूनिटी गेन। स्ल्यू रेट शुड बी आइडियली एंड प्रैक्टिकली एज हाई एज पॉसिबल, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा रहे उतना अच्छा है। आइडियली ज्यादा मतलब इन्फिनिटी रहना चाहिए, और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रहना चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्ल्यू रेट यस ऑफ एन ओपम डिसाइड द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी विच कैन बी एम्पलीफाइड बाय द ओपम विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी डिस्टॉर्शन, उसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो ओपम एम्पलीफाई कर सकता है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी डिस्टॉर्शन, कुछ भी डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस न करते हुए वो मैक्सिमम कितने फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर पाता है, कितने फ्रिक्वेंसी के कितने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाता है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन, उसको बोलते हैं स्ल्यू रेट। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या रहती है ओपीएम की? बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच ऑल द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज एम्पलीफाइड ऑलमोस्ट इक्वली। देखो कितनी भी फ्रीक्वेंसी रहो, कम रहो, मीडियम रहो, ज्यादा रहो, हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अगर ओपीएम इक्वली एम्पलीफाई कर पाता है तो उसको बोलते हैं उसकी बैंडविड्थ। इक्वली एम्पलीफाई करना मतलब इसका मतलब क्या कि इनपुट के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी रहने दो, ओपीएम को फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं चाहिए। एम्पलीफायर जो रहता है एम्पलीफायर को फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं रहना चाहिए। एम्पलीफायर का काम है सिर्फ वोल्टेज एम्पलीफाई करना, पावर एम्पलीफाई करना। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी भी रहने दो, हर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इक्वली एम्पलीफाई होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो आइडियली ऐसा होना चाहिए पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो कितने फ्रीक्वेंसी के रेंज के सिग्नल को ओपीएम इक्वली एम्पलीफाई करता है उस फ्रीक्वेंसी के रेंज को क्या बोलते हैं, ओपीएम की बैंडविड्थ। ओके, सो द बैंडविड्थ ऑफ ओपीएम शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, तो ओपीएम की बैंडविड्थ ये लार्ज होनी चाहिए, मतलब कम से कम फ्रीक्वेंसी से लेके ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को भी वो इक्वली एम्पलीफाई करता है, मतलब सेम गेन उसका होता है। ओपीएम का गेन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता है तो वो हम बोलेंगे कि उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। आइडियली उसकी बैंडविड्थ इन्फिनिटी रहनी चाहिए, और प्रैक्टिकली जितनी ज्यादा रही उतनी अच्छी। दस द गेन ऑफ द ओपीएम शुड बी कॉन्स्टेंट फ्रॉम जीरो फ्रीक्वेंसी टू इन्फिनिटी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओपीएम का जो गेन है वो आइडियली जीरो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके इन्फिनिटी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। मतलब ओपीएम का गेन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ओपीएम की बैंडविड्थ इन्फिनिटी है। सो दैट इज द बैंडविड्थ, मतलब कितने रेंज को मिनिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज को वो इक्वली एम्पलीफाई कर पाता है उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज ऑलवेज मेजर्ड इन एज अ डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी टू द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। देन नेक्स्ट इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। देखो एक्स एक्सिस पे हम बैंडविड्थ लेंगे,
और वाई एक्सिस पे हम गेन लेंगे, और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हम कैसे मेजर करेंगे? देखो, द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज द बैंडविड्थ ऑफ द ओपैम करस्पॉन्डिंग टू द वोल्टेज गेन ऑफ यूनिटी. द ग्राफ ऑफ ओपन लूप गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज शोन इन द फिगर. देखो, जीबी मतलब गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 MHz. जिस बैंडविड्थ पे गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है, या गेन 1 होता है, उसको बोलते हैं गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट. देखो, 1 MHz फ्रीक्वेंसी पे अगर हमें 1 dB गेन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट 1 है. गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट कितना है उसको बोलते हैं हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट. गेन मतलब क्या? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, वो होगा हमारा गेन. अगर सपोज हमने इनपुट को 1 वोल्ट दिया, आउटपुट को 10 वोल्ट मिला, तो 10 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ये 10 वोल्ट होगा हमारा गेन. और बैंडविड्थ मतलब वो हमें कहाँ मिल रहा है, सपोज 1 MHz तक मिल रहा है. उसके बाद 1 MHz के बाद क्या होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट सपोज 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, तो हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? 1 MHz को. 1 MHz को हमें गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मिलता है 1. उसके बाद 1 MHz के बाद अगर हमने सपोज बैंडविड्थ बढ़ाई तो हमें गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कम मिलता है, 0 हो जाता है हमारा. दैट इज कॉल्ड एज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट. देन नेक्स्ट लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन. लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन, वी नो दैट द ओपम एम्पलीफाइज द डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन टू इनपुट्स. ओपम क्या करता है, 2 इनपुट के डिफरेंस वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है. देयर फॉर वोल्टेज गेन ऑफ ओपम इज डिफाइंड एज, देखो ओपम का वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. इनपुट मतलब डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज. तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, VO डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज क्या होता है, V1 माइनस V2 मतलब VD. VO डिवाइडेड बाय VD. एज VO इज मच लार्जर देन VD, द वोल्टेज गेन इज कॉल्ड एज लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन. नोट दैट इट इज सेम एज द ओपन लूप गेन डिफाइंड अर्लियर. ये ओपन लूप गेन के जैसे ही रहता है. तो लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज. तो जितना ज्यादा उसकी वैल्यू रहती है उसको लार्ज सिग्नल वोल्टेज गेन बोलते हैं. नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज स्विंग. द मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन ओपैम इज कॉल्ड एज सेचुरेशन वोल्टेज. मैक्सिमम पॉजिटिव और निगेटिव आउटपुट वोल्टेज, ज्यादा से ज्यादा ओपैम का कितना आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन वोल्टेज. मैक्सिमम कितना आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है ओपम का. देखो, एम्पलीफाई करता है वो सिग्नल को, मतलब ऐसा नहीं कि कितना भी आउटपुट वोल्टेज देगा वो, उसकी कुछ लिमिट रहती है. तो ओपम ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट वोल्टेज हमें देता है उसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज और सैचुरेशन वोल्टेज. तो आउटपुट वोल्टेज स्विंग क्या है, अब देखो, टिपिकली जो सैचुरेशन वोल्टेज रहता है वो 90% ऑफ VCC रहता है, 90% ऑफ पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज VCC, और जो माइनस VSAT रहता है मतलब नेगेटिव वोल्टेज वो रहता है 90% ऑफ माइनस VE, या VCC के 90% पर नेगेटिव साइन रहता है उसको. हेंस इफ द सप्लाई वोल्टेज इज प्लस माइनस 15 वोल्ट, अगर हमने ओपम का सप्लाई वोल्टेज जो है, मतलब ये यहाँ पे है ना, ये प्लस VCC, ये माइनस VE, ये सप्लाई वोल्टेज अगर हमने प्लस माइनस 15 वोल्ट दिया, मतलब VCC को प्लस 15 वोल्ट और VE को माइनस 15 वोल्ट अगर हमने सप्लाई दिया, तो उसके 90% 15 वोल्ट का 90% प्लस माइनस 13 वोल्ट आता है. तो इतना मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज हमें ओपीएम के आउटपुट में मिल सकता है. द आउटपुट वोल्टेज स्विंग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन प्लस VSAT एंड माइनस VSAT. सो टिपिकली द वोल्टेज स्विंग इज 26 वोल्ट. तो कितनी मिलेंगे वोल्टेज स्विंग, 26 वोल्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, प्लस 13 वोल्ट, या कम से कम कितना मिलेगा, माइनस 13 वोल्ट. तो प्लस 13 वोल्ट और माइनस 13 वोल्ट मतलब कितना स्विंग होगा, ये प्लस 13 टू माइनस 13 का कितना डिफरेंस आता है, 26 वोल्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट वोल्टेज स्विंग. तो ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट वोल्टेज मिलता है हमें ओपम के आउटपुट में,
सब जितना सप्लाई वोल्टेज दिया उस सप्लाई वोल्टेज के 90%। ओके, डेफिनेशन क्या है उसकी? द मैक्सिमम आउटपुट स्विंग इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेजेस ऑफ एन ओप एम्प। पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज और निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज स्विंग। और वो कौन सा डिफरेंस लेते हैं? हम मैक्सिमम डिफरेंस लेते हैं। प्लस Vset माइनस माइनस Vset, सो प्लस Vset प्लस Vset, तो ये आता है ट्वाइस प्लस Vset। ओके, द नेक्स्ट इज आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट। द ओपैम आउटपुट शुड नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड टू ग्राउंड। ओपैम का आउटपुट डायरेक्टली ग्राउंड को हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, बिकॉज देन लार्ज अनकंट्रोल आउटपुट करंट वुड फ्लो एंड दैट डैमेज द ओपैम। अगर हमने ओपैम का आउटपुट टर्मिनल डायरेक्टली एक कंडक्टर से अगर ग्राउंड को कनेक्ट किया तो बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है और उसकी वजह से ओपन डैमेज हो सकता है, इसलिए हम उसको जीरो रेजिस्टेंस वायर से आउटपुट टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट नहीं करते। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट इज बिल्ट इंटरनली इन एवरी ओपैम टू लिमिट द आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट टू अ सेफ वैल्यू। इसलिए क्या करते हैं हम ओपैम के इंटरनली ही शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन मिलने के लिए एक अरेंजमेंट करते हैं ओपैम के अंदर। द आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट दैट इज अलाउड टू फ्लो बाय द इंटरनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट इफ द आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड टू ग्राउंड। इट इज डिनोटेड बाय ISC एंड इट्स टिपिकल वैल्यू इज 25 mA। 25 mA, क्या ये समझ में आएगा आपको? ओपैम आउटपुट शुड नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड टू ग्राउंड। ओपैम का आउटपुट ये ग्राउंड को शॉर्ट सर्किट हम नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, ज्यादा करंट फ्लो होता है और लार्ज करंट फ्लो होने की वजह से ओपैम डैमेज हो सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट ये ओपैम के अंदर ही उसको बिल्ड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कि सो दैट कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है कि आउटपुट वोल्टेज अगर हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट करंट ये इंटरनली ही फ्लो होता है और वो आउटपुट शॉर्ट सर्किट को एक सेफ वैल्यू तक कंट्रोल करता है, सेफ वैल्यू तक रखता है, उससे हमारा ओपन प्रोटेक्ट होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी रहती है? टिपिकली 25 mA। तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज अलाउड टू फ्लो बाय द इंटरनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट इफ द आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड टू ग्राउंड। तो ये कौन सी वैल्यू रहती है फिर? द आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट ये कौन सी वैल्यू है? इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ये किसकी वैल्यू है? आउटपुट करंट की वैल्यू। इट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट दैट इज अलाउड टू फ्लो बाय द इंटरनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ने अलाउ किया है फ्लो होने के लिए, अलाउड बाय द इंटरनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट इफ द आउटपुट इज शॉर्ट सर्किटेड टू ग्राउंड। अगर आउटपुट ग्राउंड को शॉर्ट सर्किट किया तो कितनी वैल्यू उसने अलाउ की है फ्लो होने के लिए, उस वैल्यू को बोलते हैं आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट, और उसकी वैल्यू रहती है 25 mA। देन नेक्स्ट सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज मतलब ओपैम हैज ड्यूअल पोलैरिटी सप्लाई और उसको सिंगल पोलैरिटी सप्लाई भी हम दे सकते हैं। ड्यूअल पोलैरिटी कितनी रहती है? प्लस माइनस 15 वोल्ट, मतलब प्लस 15 वोल्ट मतलब प्लस VCC, माइनस 15 वोल्ट मतलब माइनस VEE। व्हाइल द सिंगल पोलैरिटी सप्लाई ऑफ द ओपैम टिपिकली 12 वोल्ट टू 15 वोल्ट। जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं ओपैम के ऑपरेशन के लिए उसको बोलते हैं सप्लाई वोल्टेजेस। सप्लाई करंट क्या होता है? सप्लाई वोल्टेजेस की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं सप्लाई करंट। इज अ करंट ड्रॉन बाय ओपैम फ्रॉम द पावर सप्लाई। इसकी वैल्यू रहती है टिपिकली 2 to 3 mA। कितनी वैल्यू रहती है ओपैम के सप्लाई करंट की? 2 to 3 mA। नेक्स्ट ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज। अभी ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज में क्या होता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ IC741 ओपैम फैमिली इज देयर कैपेसिटी टू नल द ऑफसेट वोल्टेज दैट इज टू रिड्यूस द ऑफसेट वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो हमें जो ऑफसेट वोल्टेज मिलता है ओपैम के इनपुट में उसको हम जीरो कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 10K ओहम इज कनेक्टेड बिटवीन द ऑफसेट नल पिन पिन 1 एंड पिन 5। द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव सप्लाई V माइनस V।
बाय वेरिंग द पोटेंशियोमीटर वी कैन रिड्यूस द ऑफसेट वोल्टेज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पिन नंबर 1 और 5 के बीच में हम क्या करते हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 इसके बीच में हम एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं, और ये जो माइनस वी टर्मिनल है हम उसको कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर को, और उसको अगर हमने वेरी किया तो उससे क्या होता है, हम इनपुट का जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, ऑफसेट वोल्टेज उसको हम जीरो कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज एडजस्टमेंट रेंज। तो ऑफसेट वोल्टेज रेंज इज डिफाइंड एज द रेंज थ्रू विच द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द 10K पोटेंशियोमीटर। अभी पोटेंशियोमीटर अगर हमने वेरी किया तो अभी उसके लिए वोल्टेज है, और अगर हमने रेजिस्टेंस वेरी किया तो ऑब्वियसली हमें इसके अक्रॉस का वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, और ये वी कम ज़्यादा होने की वजह से फिर ऑफसेट वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, वेरी होता है, और वो वेरी होने वेरी करके हम उसको जीरो करते हैं। टिपिकली दिस रेंज इज फ्यू मिली होल्ट, उसकी रेंज जो है वो फ्यू मिली होल्ट रहती है। ओके सो IC741 इट इज 15 मिली होल्ट। IC741 के लिए वो कितनी रहती है, 15 मिली होल्ट। ओके सो ये ऐसी अरेंजमेंट रहती है। ऑफसेट वोल्टेज जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, पिन नंबर 1 और 5 के बीच में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं, और उस पोटेंशियोमीटर को माइनस वी का टर्मिनल हम उसको वेरी करते हैं, वहां से वेरी करने की वजह से फिर वो ऑफसेट वोल्टेज हम नलीफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इनपुट वोल्टेज रेंज, वी कैन अप्लाई द सेम वोल्टेज टू बोथ द इनपुट टर्मिनल, इट इज कॉल्ड एज द कॉमन मोड इनपुट, द इनपुट वोल्टेज रेंज इज डिफाइंड अंडर दिस ऑपरेटिंग कंडीशन, द इनपुट वोल्टेज रेंज इज डिफाइंड एज ए मैक्सिमम कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाई टू ऑप एम्प विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। कितना कॉमन मोड वोल्टेज, मतलब कितना कॉमन मोड वोल्टेज, मतलब सेम वोल्टेज हम कनेक्ट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं ओपेम के, सो दैट इसका नॉर्मल ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। और IC741 द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज इज प्लस माइनस 13 वोल्ट मैक्सिमम, इट मीन्स वी कैन अप्लाई कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज अप टू प्लस 13 वोल्ट टू माइनस 13 वोल्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ओपेम। तो प्लस 13 वोल्ट टू माइनस 13 वोल्ट इतना हम उसको कॉमन सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं दोनों टर्मिनल पे ओपेम के। तो दिस इज द इनपुट वोल्टेज रेंज, ये इनपुट वोल्टेज की रेंज है, उससे ज्यादा इनपुट वोल्टेज हम ओपेम को जनरल नहीं देते। पैरामीटर्स टू बी कंसिडर फॉर वेरियस एप्लीकेशन, देखो ये पैरामीटर हम वेरियस एप्लीकेशन के लिए कंसिडर करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज स्विंग, स्लू रेट, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, इनपुट ऑफसेट एंड वोल्टेज एंड करंट, इक्विवेलेंट नॉइस वोल्टेज एंड करंट, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज स्विंग, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज गेन, लार्ज सिग्नल। ओके तो जो रिमेनिंग टॉपिक है द आइडियल ओपैम, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।